बस यही वजह है क्योंकि न्यू प्रोजेक्ट्स तो आ नहीं रहे और सैलरी भी नहीं आई है। ये तो फिर भी एक ऑफिस एम्प्लॉय की कहानी है, जिसको मंथ के एंड में सैलरी मिल जाएगी तो वो फिर भी काम चला लेगा। चले मैं आपको लेके चलता हूँ इस कहानी के दूसरे पहलू पे। दिहाड़ी पे काम करने वाले लोग जिनको रोज उजरत ना मिले तो उनके घर में चूल्हा नहीं जलता। काफ़ी एनजीओस और साहिब हैसियत लोग हैं जो ज़रूरतमंद लोगों को राशन फराहम कर रहे हैं, लेकिन पूरे मुल्क की ज़रूरत को पूरा करना आसान नहीं। तो आप इसमें कैसे हिस्सा ले सकते हैं, मैं बताता हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगा पावर ऑफ सोशल मीडिया। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये तो आप सभी यूज़ करते हैं और इसमें यकीनन आपके पास काफ़ी ऐसे लोग ऐड होंगे जो या तो डोनेट करना चाहते हैं या फिर वो लोग जो ज़रूरतमंद लोगों को जानते हैं। तो मैं आज आपको ऐसे ही चंद लोगों से मिलवाता हूँ जिन्होंने सोशल मीडिया को एज अ ब्रिज यूज़ किया और इस मसले के टाइम पे लोगों की मदद की। ये हैं महमूद, मुबशर और बाकी NED के स्टूडेंट्स। फेडरल बेरिया, गुलशन, जौहर, मलिर, सफूरा साइड नीडी फैमिली थे जो डेली उजरत पे काम करते थे। हम उन तक आज राशन पहुंचाएंगे, तकरीबन 200 फैमिलीज का हमारा टारगेट आज है। हम घर घर जाके पहुंचाएंगे चेक एंड बैलेंस के साथ, और उसके बाद जो हमारा टारगेट बाकिया कराची का भी है। दो दिन पहले फेसबुक पे बताया कि हम लोग इस तरह का काम करना चाह रहे हैं, तो तकरीबन आप समझे दो दिन के अंदर हमें 1,20,000 रुपए का फंड मिल चुका है अभी तक। तो इन बॉयज ने अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए फंड्स इकट्ठा किए और निकल पड़े उन लोगों का हाथ थामने जो इस मुश्किल घड़ी में उम्मीद हारने लगे थे। तो हम सब भी इन बॉयज से कुछ सीख सकते हैं कि सोशल मीडिया सिर्फ इसलिए नहीं होता कि आप बोले कि 5,000 कमेंट करो तो मैं ये पोस्ट बनाऊं, या फिर कमेंट में हाय लिखो तो मैं तुम्हारे बारे में कोई खास बात बताऊंगा। सोशल मीडिया से और भी बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। मैं अपना किरदार अदा कर रहा हूँ ऐसे लोगों को हाईलाइट करने में। अब आपकी बारी है इस पैगाम को मज़ीद लोगों तक पहुँचाएँ। शुक्रिया। और अगर आप किसी को जानते हैं कि जो डेली वेजेस पे काम करता था और सफ़ेद पोश है, वो बोलेगा नहीं, भूखे का पेट सो जाएगा, तो हमें बताएं, हम उनके घर तक बगैर किसी को बताए चुपचाप उनके घर पर राशन पहुँचा देंगे।